बिमला इधर आओ ना। हाँ रामू कहा बिमला, अब मुझे बहुत तेज से गर्मी लगी हुई है, अब तुम यहाँ पर बैठ कुछ देर मेरा इंतजार करो, क्योंकि यही पास में एक सरोवर है, उस सरोवर में जाकर मैं स्नान करूंगा और स्नान कर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छे 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 पुष्प लेके आऊंगा। रामू झेल दिया ना रामू, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आएगी। रामू बिमला तुम मेरा इंतजार करो, तुम मेरे कपड़ों की रक्षा करो, मैं जाता हूँ और बहुत जल्द वापस आता हूँ बिमला। ठीक है रामू, इतना प्यार करती हूँ रामू, जल्दी आ जाना। रामू तुम नहीं जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं जिंदगी कितनी चाहती हूँ। और जिए तो जिए कैसे, हाय बिनिया फुके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिनिया फुके, लगता नहीं दिल कहीं बिनिया फुके, जिए तो श्यामू दादा का काम है। और चलता हूँ जंगल में देखता हूँ, अगर कोई शाली लौंडिया मिल गई तो कसम भी भगवान की है। अरे इसको मैं साथ में प्यार मोहब्बत की बातें करूंगा, गले से लगाऊंगा, आ रहा हूँ। अरे परवान ही चाहे जमाना खिलाफ हो, परवान ही चाहे जमाना खिलाफ हो, श्यामू दादा रास्ता वही चलेगा। टेढ़िया जान कहाँ हो, मुझे तुम्हारी कितनी याद आती रामू, जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता रामू। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, दिल तुम बिन कहीं लगता करे।
राम जादे काले कलूटे भैंसे मैं तुझसे प्यार करूंगी, चला जा यहां से। अगर मेरा रामू आ गया तो जान से मार देगा राम खोर। मैं जितना काला हूं उतना ही दिल वाला हूं। आओ एक बार हम
से आयला भी चुप हरामजादे चला जा यहां से वरना निकाल कर जूतियां इतनी मारूंगी कि बिल्कुल गंजा हो जाएगा हरामखोर। साली मेरे को तू जूतियां लगाएगी। कहते पड़े हैं दूध में चावल, अरे पड़े हैं दूध में चावल उसे हम खीर कहते हैं। मोहब्बत में लगा दे चप्पल तो भी हम तकदीर कहते हैं। हरामजादे मैं तो सिर्फ सिर्फ अपने रामू से प्यार करती हूँ। कहते हैं अरे रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, और मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। साली बिमलिया जब चांदनी चांद से होती है, अरे चांदनी चांद से होती है तो सितारों का क्या होगा। मोहब्बत करो श्यामू दादा से तो जनता का क्या होगा। हरामजादे मैं तुझसे प्यार कभी नहीं करूंगा। प्यार नहीं करोगी? आओ एक बार कहा मान जाओ मैं तुझसे प्यार करूंगी। तेरी इस भैंसे जैसी शकल पे, इस कुत्ते जैसी शकल पे, इस भालू जैसी शकल पे ये बिमला थूकेगी नहीं। तेरी जुबान की थूक तो बहुत मीठी है लेकिन बिमला तुम कहां बचकर जाओगी श्यामू दादा के जाल से। अरे कहां बचकर जाओगी तुम श्यामू दादा के जाल से। अरे सारी तुझे खींच लूंगा आकाश और पाताल से। क्या तेरी शान, क्या तेरे नखरे। तमाचा मार दिया, देखता हूं तुझे कौन बचाएगा। हरामजादे चला जा यहां से नहीं तो मेरा रामू आता ही होगा अपनी जान से मार देगा। कौन रामू? हरामजादा कम वक्त कमीना, उस रामू की ऐसी तैसी याद कर श्यामू दादा को। बिमला साली यहीं पर। हरामजादे मैं नहीं बैठूंगी। नहीं बैठोगी? नहीं बैठूंगी। अरे साली बैठ जा बिमला। नहीं बैठूंगी। ये श्यामू दादा का जलवा है। बिमला लेट जा। नहीं बैठूंगी। लेट जा। बिमला तुझे एक बार और मौका दे रहा हूं, आओ एक बार श्यामू दादा के गले से लग जाओ। अबे हरामजादे काले कुत्ते का भैया, अगर तुम शाली प्यार नहीं करोगी तो तुमसे प्यार हमारी तलवार करेगी। ले ये डोकर, सोच लो समझ लो, अगर तनिक भी तुमने इसकी तरफ को निगाह उठा दी तो तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। बिमला ब्रावो नंबर 1, अरे नंबर 2।
जंगल की ओर, कोई फिर एक हसीन लौंडिया फांसूंगा। यदि प्यार मोहब्बत से इनकार कर दिया तो उसका भी यही हाल बनाऊंगा। इंतजार कर रही होगी, चलता हूं उसके पास। मेरा इंतजार करते करते प्यारी बिमला सो गई। अरे उठ बिमला, उठ, तेरा रामू तेरे पास आ गया है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, बिमला के चारों ओर रक्त बह रहा है। लगता है किसी हराम जादे ने मेरी बिमला का खून कर दिया। क्या हो गया बिमला, एक बार मुझसे बोल बोला बिमला, एक बार मुझसे बोल बोला। क्या तेरा सिवा इस रामू का इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बार मुझसे बोल बोला बिमला, एक बार मुझसे बोल बोला। क्या रामू तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, रामू कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगा, बस एक बार मुझसे बोल बोला बिमला। देख रावण तुझे पुकार रहा है, तुझे पुकार रहा है। अब मैं कभी तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा बिमला, बस एक बार मुझसे बोल दे। तू तो कहते थे रावण तेरा साथ मरते दर तक नहीं छोड़ूंगी, मुझे अकबर में छोड़ दिया दूंगा अकबर में। अब मैं किसके सारे जीऊंगा बिमला, मैं किसके सारे जीऊंगा बिमला। हेलो हेलो, और इधर ये 10 रुपए। एक बार बोल रिगोला गजब का है गिरा सर पर हमारे, से रूठ जा जमी फट जा जगा दे, मैं समा जाऊं अभी आसमां तू आग बन जाता कि जल जाऊं अभी। बिमला बिमला मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगा, बिमला तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिस हराम जादे ने तेरा खून किया, जब तक मैं तेरे खून का बदला खून से नहीं चुकाऊंगा, तब तक मैं तेरा अंतिम संस्कार नहीं करूंगा बिमला, नहीं करूंगा। जाऊंगा इस जंगल में, तेरा कातिल इस जंगल में होगा, उसे ढूंढ निकाल कर तेरे खून का बदला उससे अवश्य चुकाऊंगा बिमला। से लेना है वो दीवाने है, दीवाने को ना धार चाहिए, ना धार चाहिए, मोहब्बत भारी एक नजर चाहिए। सामने की ओर कोई व्यक्ति जंगल में घूम रहा है, इससे पूछना चाहिए, शायद इसने मेरी बिमला के कातिल को देखा होगा। ए भाई साहब जरा सामने आओ, कहो इस जंगल में कैसे आए हो, अपना परिचय बताओ, मुझसे क्या काम है। देखो भाई साहब मेरा नाम रामू है,
मेरी प्यारी बिमला के इस जंगल में खून हो गया है, अगर तुमने उस कातिल को देखा है तो मुझे बताओ भाई साहब कौन किसकी प्रेमिका, मुझे प्रेम का से मतलब क्या है, अरे इस जंगल में कोई हसी लौटी आती है मैं उससे प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ, अगर मोहब्बत करने से इनकार करती है तो हराम जादी का मैं खून कर देता हूँ। क्या कहा, रक्त से सनी हुई तलवार, मुझे प्रतीत होता है किसी ने मेरी प्यारी बिमला का खून किया हराम जाकर। अम्मा के रब सोच ले समझ ले, श्यामू दादा से टक्कर ले लिया तो बोलना तुझको भी दुनिया से मिटा दूंगा। श्यामू दादा तूने मेरी बिमला का खून किया, मैंने उसके खून की कसम खाई है, जब तक उसके खून का बदला खून से नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं उसकी लाश को दफन नहीं करूंगा। रामू निकल जा पतली गली से वरना बेमौत मारा जाएगा। श्यामू दादा मारा तो तू जाएगा और काट कर टुकड़े करूंगा मर्द हूं मैदान का, काट कर टुकड़े करूंगा मर्द हूं मैदान का, देख गुस्से में था है हिंदुस्तान। साले सोच ले समझ ले, परवान ही चाहे जमाना खिलाफ हो, श्यामू दादा रास्ता वही चलेगा टेढ़िया। श्यामू दादा मैं भूखा शेर खा जाऊंगा तुझको नोच कर, मैं भूखा शेर खा जाऊंगा तुझको नोच कर, मेरे सामने वाला सोच और गुलाम नहीं, किसी हिम्मत और ताकत का काम नहीं, अगर तुझको नवारा तो फिर रामू मेरा तू आ जा उल्लू के पट्टे कदू साले तेरे दांत खट, आ जा मेरा तेरा फैसला। हरामजादे तेरे बाल खींचूंगा, तेरे बाल खींचूंगा मैं, तेरी खाल खींचूंगा, मेरा नाम रामू है तो तेरा। हरामजादे तूने मेरी बिमला का खून पिया, बीरू सागर पश्चिम मोहल्ला की ओर से आपके लिए इनाम है भैया, और उनका कहना है कि साले 20 सेंटर लगा उसके खड़े होकर। छोड़ दो मुझे बता हरामजादे कि तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है। हमारे घर में भी माँ बहन है, लेकिन माँ है पिता के लिए, बहन है बहनोई के लिए, और ये सारी लौंडियाँ है हमारे लिए। तू कहता है तुझे क्षमा कर दो, तूने ऐसा काम किया है मैं कहता हूँ तुझे जान से मार दो। क्षमा कर दो मुझे भाई साहब, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अगर यहाँ पर इस राज्य में महाराजा सम्राट अशोक का शासन न होता तो मैं तुझे अचान से मार देता। उन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया और उनके शासन में हत्या करना महापाप है, अतः तुझे मैं महाराज के दरबार में ले चलूंगा, तुझे मुझे सजा देंगे, वही मुझे मारना पड़ेगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, चलो महाराज के दरबार में। कहो महाराज, आज
जब से मैंने इस बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है और बौद्ध धर्म में बताए गए मार्गों को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में बहुत ही शांति है। लेकिन लेकिन क्या है? लेकिन ये सामने से दो व्यक्ति और एक बंदा हुआ और दूसरे के कंधे पर कोई मृतक नजर आता है। यार आई आई यार महाराज की जय हो, राजा राजेंद्र की जय हो, प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। महाराज की जय हो, सेनापति की जय हो, प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। कहो बेटा कौन हो तुम और आज इस दरबार में एक मृतक के साथ तुम दो व्यक्ति आने का क्या कारण है? हर्ष, मैं आपके ही नगर का रहने वाला, मेरा नाम रामू है। हम मेरी प्रेम का बिमला है। हम दोनों जंगल में टहलने के लिए गए थे। अचानक मैं अपनी प्रेमिका से कुछ देर के लिए दूर गया। इतने में अपने को श्यामू बताता है, यह कर इसने आकर मेरी प्रेमिका का खून कर दिया महाराज। क्या? मेरी प्रेमिका का खून कर दिया महाराज। इतना सख्त शासन होने के पश्चात इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं। खड़ा हो जा, प्रेमिका मुझे छोड़कर चली। मैं खड़ा हो जा। कौन है, क्या परिचय है तेरा? महाराज मेरा नाम श्यामू है। और ये प्रेमिका किसकी है? ये प्रेमिका हमारी है। तेरी प्रेमिका है? हाँ महाराज। और इसका कत्ल? इसका कत्ल और खून इस रामू ने किया है। नहीं महाराज, खून इसी ने किया है महाराज, खून इसी ने। ओह, बहुत ही असमंजसता में फांस दिया आज इन दो व्यक्तियों ने। एक कह रहा है कि मेरी प्रेमिका है तो दूसरा कहता है मेरी। एक कहता है खून इसने किया तो दूसरा कहता है उसने। सेनापति, आज मुझे इस कठिन घड़ी में तुम्हारी आवश्यकता है। आज मैंने हथियार ना उठाने का वचन लिया है, इसलिए मैं आपको आदेशित करता हूँ कि कोई भी कर्म करो, लेकिन इन दोनों में से कौन दोषी है उसका पता लगाओ। ठीक है महाराज, पता लगेगा। बैठ जाओ उधर भैया, आराम से बैठ जाओ यार, क्यों चिंता करते हो? आओ बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज सेनापति महोदय, मेरा नाम रामू है। मैं आपके ही नगर का रहने वाला हूँ। रामू तुम्हारा नाम है, इसी नगर के रहने वाले हो? हाँ सेनापति। लेकिन सच बताना बेटा, ये प्रेम का किसकी और किसने खून किया है? मैं इस पंचशील दरबार में खड़ा होकर सत्य कह रहा हूँ, ये प्रेमिका मेरी है और खून इसी ने किया है। सेनापति महोदय ने किया है। ठीक है, बैठ जाओ, रो मत, आराम से बैठ जाओ। एक बार बोल दो मेरी जान। क्यों रे रो रहा? बात नहीं पूछ रहा, वो जवाब नहीं दे रहा है। ये बताइए, सच बताना प्रेमिका किसकी और किसने खून किया है? सेनापति, हाँ हाँ, इस दरबार में जो कुछ मैं बोलूंगा वो सत्य ही बोलूंगा। हाँ सत्य बोलिए। ये प्रेमिका हमारी है, मेरी प्रेमिका का खून इस रामू ने किया है। तो रो क्यों रहे हो भाई? चुप जा, 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 इधर चल, 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 चल। तो बता रहे प्रेमिका हमारी, खून इसने किया है और वो कहता है प्रेमिका हमारी, खून इसने रामू ने किया है। सेनापति महोदय, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ, ये प्रेमिका मेरी है और खून इसी ने किया है महाराज। हमें पता नहीं सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। हम तुमसे बोलते हो तुमको दोषी ठहराते हो, जब उससे मैं पूछता हूँ तुम्हें दोषी ठहराता है। और पता लगाने के लिए महाराज आदेश मुझे दिया है। आप पता ऐसे नहीं चलेगा जब तक हम तुमको गर्म नहीं करेंगे दोनों को। महाराज बोलो, महाराज क्या कहेंगे? सेनापति महोदय, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये प्रेमिका मेरी है और खून इसी ने किया है। सेनापति महोदय,
महाराज ये कैसा न्याय है महाराज, निर्दोष और जिसकी प्रेमिका उसी पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। बेटा रामो, ये बौद्धों का दरबार है, यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। बैठ जा इधर, चल। मोहन ने क्या बात कह रहे हो, प्रेम का एक बार बोल दो, सच बताइए श्यामो, यहाँ पर फैसला होगा, न्याय होगा न्याय नहीं होगा, महाराज ने आदेश दिया, सच बताओ किसकी प्रेम का किसने खून किया है? प्रेम का हमारी है। अच्छा, मेरे प्रेम का खून रामू ने ही किया है। उतार दो कपड़े, राष्ट्रीय आभूषण वस्त्र अपने कपड़े, मैं पता लगाने जा रहा हूँ कौन दोषी है कौन निर्दोष है। हाँ, देखा उधर हरे, कहो। मैंने कपड़े को उतार दिया, उतार दिया, अब खड़े हो जाओ, अब पता लगाने जा रहा हूँ कौन दोषी कौन निर्दोष में है, बोलिए। मैंने नहीं खून किया है, मैंने नहीं खून किया, सेना मौत मुझे क्षमा कर दो, मैंने बोलो। मैं जंगल में घूम रहा था, अचानक मेरी लड़की आ गई, अपने को नाम बिमला बताया, फिर क्या हुआ? मैंने बिमला से कहा एक बार गले से लग जा मेरी जान, एक बार लग जाओ गले से मेरी जान। मैंने प्रेमिका से कहा, फिर क्या हुआ? तो प्रेमिका बिमला ने प्यार करने से साफ इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, आगे कहानी बता रहे? प्रेमिका तो हमारी है। मैंने प्रेमिका से कहा एक बार गले से लग जा, अरे तो इस बिमला ने प्यार करने से साफ इनकार कर दिया, अरे तो श्यामू दादा को गुस्सा गया, मैंने उस प्रेमिका का साथ सागर पश्चिम मोहल्ला की ओर से, उनका कहना है कि इसके 50 अंक खड़े खड़े लगाओ। मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें क्षमा कर दो, तब से मैं पूछ रहा था, इसीलिए कहा गया है सीधी अगले से भी नहीं निकलता है, क्या अगले को टेढ़ा करना पड़ता है तभी खेल। महाराज सेनापत देख लिया फैसला, कौन दोषी कौन निर्दोष है महाराज? सत्य है, बिल्कुल सत्य है, तुम्हारे इस फैसले से हम प्रसन्न हुए, लेकिन श्यामो ये प्रेमिका इस रामू की है और कत्ल तुमने इसका बहुत बेरहमी से किया है, आज हम इस दरबार में तुमको दोषी करार देते हैं और तुम्हें आजीवन कारागार की सजा सुनाते हैं। बोल, महाराज ने तुम्हें आजीवन कारागार की सजा, ले जाओ इसे डाल दो काल कोठरी में, जहां पर सर्प और बिच्छू रहते हो, इस जैसे पापी को नोच नोच करके खा जाएंगे। अब साला रो रहा है, चा, 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 चा। महाराज ने मुझे आजीवन कारागार की सजा सुनाई, रो क्यों? लेकिन मैं आज से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। क्या है रे? सेनापति याद रखना, याद
श्यामू दादा को ऐसे कमरे में बंद करना यहाँ दो चार लौंडियां मिलती रहे ले जाओ इस हरामखोर को। तुमको ऐसे कमरे बंद करेंगे लौंडिया की बात करता है तो लौंडे छोड़े महाराज की जय बेटा प्रसन्न रहो आपके दरबार में इस पंचशील दरबार में पंचशील राज्य में आपके न्याय को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ महाराज अति प्रसन्न हूँ। आपने उस दोषी को सजा दी लेकिन महाराज मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है बेटा? महाराज इस प्रेमिका के सिवा इस रामू का इस संसार में कोई नहीं। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए अतः यही मेरी साथ में थी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा अर्थात मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस मेरी प्रेमिका का राजकीय सम्मान के साथ में दाह संस्कार करवा दिया जाए। उसके बाद मैं आपके संग की शरण में आना चाहता हूँ। मैं भी धम्म की शरण में आना चाहता हूँ महाराज। बहुत सुंदर बेटा रामू आज तुम्हारे मुंह से ये वचन सम्राट को भाग गए। सेनापत इस रामू की प्रेमिका को सम्मान के साथ इसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाए और रामो महाराज संस्कार करने के पश्चात इस दरबार की ओर चले आना फिर धम्म का प्रचार करना संघ में शामिल होकर के। महाराज मैं सारा जीवन धम्म का प्रचार करूंगा और आपकी शरण में रहूंगा। महाराज बहुत सुंदर ले जाओ महाराज की जय हो महान सम्राट अशोक की जय। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो उठाओ मृतक को ले चलो। चलो सेनापत कहो महाराज आज इतना कठोर और सख्त शासन होने के पश्चात इतनी बड़ी घटनाएं यदि होती है तो क्यों होती है? इस शासन को और सख्त कर दो इतना सख्त कर दो कि परिंदा भी मेरी इजाजत की बगैर पर ना मार सके। अगर महाराज आपका आदेश होता रहेगा तो ये सेनापत वफादार बहुत अच्छे कर्म करेगा किसी प्रकार की गुंडागर्दी और गलत कार्य को कह नहीं सकता। शाबाश सेनापत लेकिन आज मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि मैं तो दिन रात अपने बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करवाता हूँ। अच्छा लेकिन हमारे इस राज्य के एक छोटे से नगर में एक बिशप पंडित जी रहते हैं। बिशप पंडित जी रहते हैं वो दिन रात अपने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। क्या उनको बौद्ध धर्म में कोई सच्चाई नजर नहीं आती? कोई अच्छाई नजर नहीं आती लेकिन इस बौद्ध धर्म में कानों से सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सही बात है। इसलिए आज राज इस दरबार की सारी जिम्मेदारी आपकी है और मैं जा रहा हूँ बिशप पंडित से रूबरू होने। ठीक है महाराज जा सकते हो। आज महाराज मुझे आदेश दिया है अब कोई व्यक्ति गुंडागर्दी नहीं करेगा। बस सख्त शासन कर दीजिए और समझ लिए सभी लोग ग्रामवासी नगरवासियों आज से मैं ऐलान करता हूँ कोई व्यक्ति गुंडागर्दी गलत कार्य करता हुआ पाया जाएगा उसको राजकोष की तरफ से बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। मैं चलता हूँ इधर।